अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 के स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, उसकी लिमिट है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। फंक्शन हमारे पास है एक्स साइन एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। इसको हमने प्रूव करना है पाई ओवर 6 ई स्केयर इंटू ई माइनस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिप्लेस x by z एंड साइन x by e की पावर iota z। स्टेप 1 हम इसमें अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल गिवन था 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी x साइन x dx एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4, मैंने रिप्लेस कर दिया x को z से साइन x को e की पावर iota z से। नीचे भी हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर प्लस 1 इंटू जी स्केयर प्लस 4। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, पोल्स फाइंड करते हैं, वो पोल्स जो अपर हाफ प्लेन में लाइक करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल है, इसके डिनोमिनेटर को हमने 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एंड जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। हमने वो पोल्स सेलेक्ट करने हैं जो अपर हाफ प्लेन में लाइक करते हैं। द पोल z इज इक्वल टू आयोटा एंड z इज इक्वल टू 2 आयोटा लाइज अपर हाफ प्लेन। पोल्स फाइंड करने के बाद हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं सिलेक्टेड पोल पे। सबसे पहले हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू आयोटा पे। इसको आप ऐसे कह दें z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 आयोटा। जब हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे एट जी वन पे, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं आर वन एफ ऑफ आयोटा लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा। हमने रेजिड्यू का फार्मूला अप्लाई किया है जी माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ जी, और हमारे पास एफ ऑफ जी क्या है, जी ई की पावर आयोटा जी ओवर जी स्केयर प्लस 1 इंटू जी स्केयर प्लस 4। ऊपर वाले टर्म एज इट, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं जी माइनस आयोटा जी प्लस आयोटा की फॉर्म में। जी माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जी इज इक्वल टू आयोटा, तो हमारे पास आर वन किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा ई की पावर माइनस 1 ओवर 2 आयोटा इंटू 3। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और नीचे ये ई की पावर माइनस 1 है तो ये नीचे आ जाएगी 1 ओवर 6 ई आ जाएगा। उसके बाद है हमने रेजिड्यू फाइंड करना है एट जी टू पे। जी टू किसके इक्वल था, 2 आयोटा पे। हमने कह दिया आर टू एफ ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा इंटू एफ ऑफ जी। ठीक है, अब हम जी स्केयर प्लस 4 को ब्रेक कर सकते हैं जी प्लस 2 आयोटा एंड जी माइनस 2 आयोटा की फॉर्म में। जी माइनस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो टर्म है उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आयोटा ई की पावर आयोटा इंटू 2 आयोटा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा तो ये माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, जी स्केयर प्लस 2 जब लिमिट अप्लाई करेंगे 2 4 आयोटा स्केयर, तो ये माइनस 4 प्लस 3, माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से 2 के साथ कैंसिल 4 के साथ कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 6 ई स्क्वायर। अब हम इनका सम कर लेते हैं। जब सम करेंगे तो 1 ओवर 6 ई प्लस और ये माइनस, इसको माइनस कर देगा 1 ओवर 6 ई स्क्वायर। जब हम 1 ओवर 6 ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जस्ट ई है तो एक ई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर 6 ई स्क्वायर ई माइनस 1। अब हम स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, इसका फार्मूला अप्लाई करना है। हमें पता है अगर हमारे पास फंक्शन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी में हो और साइन एक्स में हो तो फिर हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई आयोटा समेशन आर आई। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया है, डायरेक्ट इंटीग्रल लिख दिया है, फार्मूला नहीं लिखा, वो मैंने आपको बता दिया। एक्स साइन एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई आयोटा समेशन आर।
इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, 1/6 ई स्केयर ई माइनस 1। अब हमने क्या देखा, हमने इमेजिनरी पार्ट लेना था तो इसीलिए पाई ओवर 6 ई स्केयर ई माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये आयोटा इस इमेजिनरी की वजह से इग्नोर हो जाएगा। ओके गाइस, हमने यही प्रूव करना था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।